ललन सिंह एक छत्र राज चाहते हैं अपना और अनंत सिंह का जो प्रभाव है उसको समाप्त करना चाहते हैं वो उनकी सेफ सीट है। कि आप अनंत सिंह को टिकट नहीं दीजिएगा तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा उस क्षेत्र में जाना जिस वक्त को यहाँ मंत्री पद का शपथ ले रहे थे कानून मंत्री का उनके खिलाफ वॉरंटे ना के साथ परमानेंट परमानेंटी और परमानेंट दोनों नहीं कर सकते अब रातों रात कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है नीतीश कुमार के विरोधी विरोध करने वाला किस भाषा का प्रयोग करते थे कितना डर को डर बिना डरे हुए ललन सिंह और नीरज कुमार को उपनाम देते थे नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप बिहार के सियासी माहौल में नीतीश कुमार ने भाजपा को एक बड़ा झटका दिया इस झटके के बाद राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के लिए अनेक-अनेक संभावनाएं उत्पन्न हुई लेकिन इसी बीच कई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया खासतौर पे वो व्यक्ति जो नीतीश का विरोध कर राष्ट्रीय जनता दल में गए थे और वो व्यक्ति जो राष्ट्रीय जनता दल का विरोध कर नीतीश की पार्टी में गए थे यानी दोनों तरफ ऐसे लोग थे एक तरफ जहां अनंत सिंह हैं वहीं दूसरी तरफ जगदानंद सिंह के बेटे हैं देखने वाली बात यह हुई कि दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों लोगों में कौन से वो लोग हैं जो बिहार की सियासत में ज़्यादा दिनों तक टिक पाते हैं एक तरफ अनंत सिंह के राजनीतिक भविष्य पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है पंचनामा में अक्सर डॉक्टर साहब हमारे साथ रहते हैं उन्हीं से जानते हैं सारे सवालों का जवाब दोनों तरफ के लोग दल बदल कर रहे थे जगदान सिंह के बेटे ने आरोप लगाया कि तेजस्वी तानाशाह है मेरे पिता को बार बार बेइज्जत करवाते हैं अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार तानाशाह हैं और नीतीश कुमार बिहार के लिए खतरा है देखिए सही जगह पे दोनों गलत नहीं है दोनों ने जिस तरीके से वक्त के जिस जो वक्त था उस वक्त उस आधार पर फैसले लिए थे और अब चूंकि नीतीश कुमार बार, बार बार बदल जाते हैं बिहार में गठबंधन का पूरा चरित्र ही बदल जाता है तो कोई करे तो क्या करे ना परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट दुश्मनी किया जा सकता नीतीश कुमार नीतीश कुमार सही कर देते हैं उस कहावत को बदल दिया उन्होंने नीतीश के साथ परमानेंट दोस्ती और परमानेंट दुश्मनी दोनों नहीं कर सकते हैं आप चिराग पासवान से दुश्मनी हुई थी आपने देखा कि बीच में रिश्ते ठीक करने लगे थे लगभग ऐसे ही आर सिंह के साथ कितना सर्जता था आप देखिए कितना खराब हो गया तो ये तो हो रहा है बिहार की राजनीति निती में नीतीश कुमार छोड़ के बाकी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है लेकिन इसकी वजह समस्याएं क्या होती हैं देखिए अब रातों रात आ, कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है नीतीश कुमार के विरोधी विरोध करने वाला तो उसको समस्या तो होगी ना आप जानते हैं कि अनंत सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से आ गए थे कहाता है कि नीतीश कुमार को घोड़े पर सवार करने वाले में से एक अनंत सिंह भी थे अब अनंत सिंह को घुड़सवारी आ गई नीतीश कुमार घुड़सवारी आ गई तो घोड़ने तो वाला क्या हो सकता है क्यों पड़ेगा कई बाहुबोलियों की छुट्टी उन्होंने की राजद ने भी कई बाहुबोलियों की छुट्टी की लेकिन उन्हें उनका जो रुतबा था अनंत सिंह का वो खत्म नहीं हुआ मोकामा में मुंगेर में जिस तरीके से उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ पिछले चुनाव में याद पड़ेगा आपको लोकसभा चुनाव में क्या माहौल बनाया था उसकी वजह से लगा कि मैंने ललन सिंह हार जाएंगे जीत गया ललन सिंह लेकिन जीत हार के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल नहीं थी कई बातें बोली गई एक दूसरे के खिलाफ बहुत बिलो द बेल्ट हिट किया गया मैं उन बयानों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा लेकिन ललन सिंह भुलाए थोड़े होंगे हमने ये सवाल जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से किया था इसलिए कि नीरज कुमार को लेकर आनंद सिंह काफी मुखर थे और उनके आसपास के लोग उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें नहीं होती है हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे इसका मतलब हमेशा के लिए दुश्मन थोड़ी हो जाएंगे खुद न, एक समय था कि ललन सिंह का विरोध सबसे बड़े जानते कौन इस पार्टी में थे नीरज कुमार थे इतना कुछ बोले हुए हैं ललन सिंह के खिलाफ कि पूछिए मत आज कहा था कि ललन सिंह के राइट हैंड हैं ललन सिंह के कहने पर नीरज कुमार पूरे बिहार में घूमते हैं मुकामा उनके लिए मैनेज करते हैं लेकिन ये जो लड़ाई थी ललन सिंह वर्सेस अनंत सिंह ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है आप समझिए अनंत सिंह से अनंत सिंह के कुबे से एक बड़े वैचारिक लड़ाई तो है ही राजनीतिक लड़ाई तो है ही मतलब वो टर्फ वॉर है वर्चस्व की लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई है और उस लड़ाई से पीछे हट पाना संभव नहीं है इतना आसान नहीं है बहुत कुर्बानियाँ गई हैं उसमें बहुत पीढ़ियों तक की लड़ाई चली है और अनंत सिंह भी पीछे नहीं हटने वालों में से हैं और ललन सिंह की तो मजबूरी है ललन सिंह उस जगह को नीतीश के लिए मैनेज कर रहे हैं तो उन्हें तो वहाँ बार बार जाना होगा नीरज कुमार ताइठो ठोके थे हार गए चुनाव रिवॉर्ड किया गया बाद में मंत्री बनाकर ललन सिंह जीत गए ललन सिंह को रिवॉर्ड किया था मंत्री मंत्री बनाकर आर सिंह बीच में आ गए तो इस वजह से क्या हुआ आर सिंह को साइड कर दिया लेकिन सरकार इस वक्त राज्य के साथ बनाना मजबूरी थी और उस मजबूरी के साथ मजबूरियाँ भी आती हैं बहुत सारी और उसमें से एक मजबूरी है अनंत सिंह को टिकट देना अनंत सिंह की विधायक की जिस परिस्थितियों में गई है आपको अच्छे से पता है अब उस जगह पर उनकी पत्नी को टिकट देने की बात चल रही है कांग्रेस से वो एक बार ताय ठोक चुकी हैं लेकिन चूंकि कांग्रेस इस बार महागठबंधन में है और ये सीट जो सिटिंग सीट है वो तो राजद की है ना जी। और अनंत सिंह दावेदार हैं तो क्या राजद देगी अनंत सिंह को टिकट देखिए कैलकुलेटेड रिस्क और प्लस uh, माइनसेस का खेल होता है राजनीति मैं बार बार करता हूँ एसेट और लेबिलिटी पे डिपेंड करता सब कुछ एसेट अनंत सिंह तब तक थे जब तक नीतीश कुमार के खिलाफ उनको राजनीति करनी थी तेजस्वी को बार बार बंटू सिंह से बड़ा उनको कोई प्रवक्ता नहीं मिला कितना खुलकर ललन सिंह के खिलाफ एक्सपोज किए हैं किस भाषा का प्रयोग करते थे कितना निढ़रक होकर दर, डर बिना डरे हुए ललन सिंह और नीरज कुमार को उपनाम देते थे तो ये भूल जाएंगे ललन सिंह ये भूल जाएंगे नीरज कुमार ऐसा नहीं होता देखिए राजा से बदला लेना ले सैनिक से तो बदला लेता है ना आदमी और ये सैनिक है सामने पड़ जा रहे हैं अनंत सिंह तो अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देना राजा के लिए संभव नहीं है पहले भी इसी मामले को लेकर नीतीश के साथ थे हैं, तो तेजस्वी यादव ने पलटी मारी थी और उन्होंने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट तक कहा था बाद में आवश्यकता पड़ी तो नीतीश से दो दो हाथ करने के लिए उनको ले आए लेकिन अब वो लेबिलिटी हो गए तब वो एसेट थे अब लैबिलिटी हैं तो अब बंटू सिंह को भी देखा आपने पहले लिस्ट में प्रवक्ताओं के नाम नहीं है उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई फिर मामला को शांत करने की कोशिश की लेकिन कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दिया है अगर ये कह रहा है कोई कि केवल इसलिए क्योंकि उनको आ, उनके खिलाफ आज कोर्ट में मामला था आज गिरफ्तारी हो सकती थी या आग गिरफ्तारी आगे चल के हो जाएगी इसलिए वो चाहते ऐसा कुछ जब वो मंत्री पद का शपथ ले रहे थे उनको पता नहीं था कि उनके खिलाफ एक तरफ वहां पेशी का चल रहा है मामला तो पहली बात तो चाहते थे लोग कि मंत्री न बने अब बन गए तो आ, हटाने का एक आ, आ, आप एक बात समझिए बहुत जरूरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिस वक्त वो यहाँ मंत्री पद का शपथ ले रहे थे कानून मंत्री का उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था उस समय ना उसी समय निकला था ना तो वो उस समय उनका ई कॉन्सियस नहीं जाग रहा था सब लोगों को पता था बाईस दिन लग गया उस समय उनको नहीं है रिलाइज हुआ था कि इस पद पे रहते हुए मेरी गिरफ्तारी होगी या, या वारंट आएगा तो बेइज्जती होगी खूब फजीहत हुआ है तब नहीं दिए और आज दे दिए बहुत बड़ा कारण है कानून मंत्री के रूप में जो फजीहत हुआ नीतीश कुमार से नाराज थे नीतीश चाहते नहीं है कि तेजस्वी यादव या जंगल राज या तथाकथित रूप से जो कुछ हुआ है वो रिपीट हो जाए इनके वो वो रिपीट भाजपा को मौका मिले कहने का इसीलिए इनका मंत्रालय बदला गया अब जा तो गो अब हाथों ना खाओ एक तो कानून मंत्री थे तो मामला सब कुछ ठीक था अब इनको गन्ना मंत्री बिहार में गन्ना मंत्री क्या हो गया आपको अच्छे से पता है गन्ना है, है नहीं गन्ना मंत्री गंड़ा का जी का ये एक ऐसा अपंग पद बना दिया गया है जहाँ किसी को सन्टिंग में डाल देना है तो कार्तिक सिंह सन्टिंग में नबैठने वाला आदमी नहीं है आनंद सिंह के बहुत विशेष रहे हैं करीबी में से और उन्होंने कल भी ये बात कही आज भी कही कि मैं सिंह के साथ वफादारी मेरी रही है और उसका खामिया जब भुगतना पड़ रहा हो तो भुगतेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो ये बातें केवल भाजपा ही पे लागू नहीं होती हैं कि भाजपा दे रही है राजद पे भी लागू कि राजद भी अगर उसकी सजा दे रही है अनंत सिंह नजदीकियों की तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे मंत्रालय को लत मारते हैं ये नहीं कहा उन्होंने और देखिए हर कोई थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर लेकर चलता है सरकार चूंकि राजद और नीतीश कुमार की बनी है तो रिश्ता खराब नहीं करना चाहेंगे पूर्णतः लेकिन अपना मैसेज उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दिया कि आप अनंत सिंह को टिकट नहीं दीजिएगा तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा उस क्षेत्र में जाना उसी क्षेत्र से एम भी हैं खुल के वो बोल रहे हैं और ऐसी स्थिति में अनंत सिंह के उनकी नज़दीकियों को लेकर अगर उनको फ़ायदा हुआ है तो नुकसान भी थोड़ा सा होने के लिए तैयार होंगे बहुत ईमानदार लोगों में से हैं और उनके टिकट दिलाने में भी अनंत सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है लेकिन याद रखिए केवल सरकार की फजीहत नहीं हो इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है उनके मंत्रालय बनने से बहुत नाराज़ थे और एक और नाराज़गी तो पहले से थी ही कि अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देने को लेकर मामला अटका दिया है तेजस्वी ने ये सीट जदयू को जा रही है जहाँ तक हम जानते हैं और जदयू इस सीट पर अपनी तैयारियाँ शुरू भी कर चुकी है और अगर इस सीट को लेकर विवाद होगा तो सरकार गिर जाएगी ये भी आप जानकर रखिए तो ललन सिंह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ललन सिंह अगर तेजस्वी यादव की बड़ाई भी कर रहे हैं टू जेड अपलना चिल्ला और हर चीज़ में हाँ बोल रहे हैं नीतीश से भी बुलवा रहे हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि मुकामा में ललन सिंह एक छत्र राज चाहते हैं अपना और अनंत सिंह का जो प्रभाव है उसको समाप्त करना चाहते हैं वो उनकी सेफ सीट है तो कहीं ना कहीं बिहार में ये जो है वर्चस्व की लड़ाई कई नेताओं के बीच हुई है और अब ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच और खास तौर पे राजद और जदयू की जब सरकार बन गई तो ये लड़ाई और भी तेज हो जाएगी अनंत सिंह को अगर टिकट ना मिले और कार्तिकेय सिंह मंत्री बने रहें तो ये उस क्षेत्र की जनता शायद बर्दाश्त नहीं करेगी या अनंत सिंह के समर्थक बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए कि वो सलाहकार माने जाते हैं अनंत सिंह के और अनंत सिंह के साथ साय की तरह अभी तक रहे हैं ये मामला अनंत सिंह पर ही आया है अनंत सिंह पर ही केस हुआ था और कार्तिकेय सिंह का सिर्फ उसमें नाम दिया गया था कि ये भी उसमें संलिप्त थे इसलिए ये मामला फंसा है तो अनंत सिंह के लिए कहीं ना कहीं ये कुर्बानी तो उन्हें देनी ही थी फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई अरे बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे को घंटी बटन दबा दिला से कुल सटीक और मारक खबर मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली नाइन थ्री एट सिक्स एट वन सिक्स सेवन डबल जीरो धन्यवाद